हेलो बच्चों, ये थे आइसोमेरिज में पढ़ रहे थे। और आइसोमेरिज में हम आपको बताए थे कि हेलो एल्केन जो होता है वो दो प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और ऑप्टिकल आइसोमेरिज में शो करता है। तो स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज और पोजीशन आइसोमेरिज हेलो एल्केन के द्वारा शो किया जाता है। और वैसे हेलो एल्केन जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन होता है वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में भी शो करते हैं। तो देखेंगे आगे क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज में। अभी हम लोग देखते हैं जो पोजीशन आइसोमेरिज हमारा रह गया था उसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला मेरा जितना वीडियो आ रहा था जैसे सॉल्यूशन का, वो किसी दूसरे चैनल पे था। उस समय मेरा चैनल नहीं था, हम खुद का चैनल नहीं बनाए थे तो दूसरे चैनल पे डाल दिए थे। तो उसमें तो अच्छा खासा स्टूडेंट जो है जुड़ गया था, सबको जानकारी हो गई थी कि सर यहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं तो सब कोई देखा। लेकिन अभी जो ऑर्गेनिक का वीडियो डाला जा रहा है ये मेरा अपना चैनल पे डाला जा रहा है और इसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्रत्येक स्टूडेंट के मोबाइल में अपने 4, 5, 6, 10 क्लासमेट का नंबर तो रहता ही है। तो आप क्या करो कि आपके जो दोस्त हैं उन पे जो वीडियो है उसको उसका लिंक शेयर करो और उनसे बोलो कि सर यहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ो ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। ऐसे कोई फायदा है नहीं, हम पढ़ा रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं इतना मेहनत वे इसका लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे तो कुछ फायदा है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपके पास जितना भी मोबाइल में कॉन्टेक्ट में होंगे स्टूडेंट्स क्लास वाले या और भी स्टूडेंट होंगे उनके पास वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए आप लोग और उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक भी पहुंच जाए, खोजना नहीं पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर करोगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने आपको चेन आइसोमेरिज में पढ़ा दिया था और एक क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन क्या था, चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया था कि C5H11Br आप इसके कितने चेन आइसोमर्स बना सकते हो, कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जो एक दूसरे का श्रृंखला समावयवी हो, चेन आइसोमर्स हो। कहने का मतलब यह हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर में अंतर आ जाए, किसके कारण, कार्बन के मेन चेन में अंतर आने के कारण। तो बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो कार्बन कितना है बच्चों, 5 कार्बन है। तो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम स्ट्रेट चेन CH3CH2CH2CH2CH2 और Br। आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, और ये पहला स्ट्रक्चर बना। अब दूसरा स्ट्रक्चर अब क्या बना सकते हो इसी का, कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और इसके पोजीशन में भी कोई अंतर नहीं आए, सिर्फ कार्बन के मेन चेन में अंतर है। तो क्या करते हैं यहां से इसको हटा के इधर जोड़ देते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा CH3CH और यहां पे जोड़ देते हैं CH3CH2CH2Br, ये बन जाएगा एक स्ट्रक्चर। और क्या बना सकते हो आप, अब देखो तो ऐसा करते हैं अभी 1, 2, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, इसको यहां से हटा के 2 पोजीशन पे कर देते हैं। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे कि पोजीशन चेंज ही नहीं करना, तो इसका ना चेंज नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज नहीं करना होता है, इसका तो कर ही सकते हैं क्योंकि चेन में तो हम अंतर ला ही सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या बनेगा बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड बन सकता है CH3CH2CH CH3CH2 और Br, ए हो गया। तो 3 कंपाउंड बन गया। अच्छा अब बोले थे कि और आप बना सकते हो, तो हाँ एक कंपाउंड अभी हम और बना सकते हैं, यहां से CH3 हटाओ और यहां पे ऐड कर दो। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो होगा हमारा वो बनेगा, देखना ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और
बी आर। तो कितने स्ट्रक्चर बन गए, 1, 2, 3 और 4। अच्छा देख लो, अब एक बार देख लेते हैं इसको, इसको तो देख ही लिए, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 3, 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 3, 2, 5, 6, 3, 9, 2, 11 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है। और इसमें भी वही चीज है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 3, 3, 6, 2, 8, 9, 11 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन। तो इस तरह से मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हुआ, मतलब पहला जो कंडीशन था वो ठीक है, सबके लिए सेम है। दूसरा कंडीशन था कि सेम सबस्टिट्यूएंट, तो देख लो इसमें भी सबस्टिट्यूएंट ब्रोमीन, इसमें भी ब्रोमीन, इसमें भी ब्रोमीन और इसमें भी ब्रोमीन, तो दूसरा कंडीशन जो था वो भी हमारा फॉलो हो रहा है। तीसरा कंडीशन था बच्चों सेम पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, याद आ रहा है ना, पीछे देखो कॉपी में जहां पे हम कंडीशन लिखे थे, सॉरी कंडीशन हेडिंग नहीं बनाए थे लेकिन डिफिनेशन के बाद नीचे हम बता दिए थे कि क्या क्या चेन आइसोमेरिज्म में होता है। तो सेम पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, तो इसमें देख लो 1, 2, 3, 4, 5 वन पोजीशन पे ब्रोमीन है, इधर से भी काउंटिंग करेंगे यहां से 3 वन पोजीशन पे ब्रोमीन है, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 वन पोजीशन पे ही ब्रोमीन है और यहाँ पे भी 1, 2, 3 वन पोजीशन पे ब्रोमीन है। अब हम बोले थे कि सबका नाम भी लिखना है, तो देखो इसका नाम लिखोगे तो वन पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो आईयूपीएसी नेम लिखना था 1 ब्रोमो, और 5 कार्बन है बच्चों तो पेंट लिखेंगे और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, दैट मीन्स 1 ब्रोमो पेंटेन। यहाँ देखो 1 पे ब्रोमीन है और 3 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिख देंगे। अच्छा इसके बाद इसका नाम बताओ, 1 पे ब्रोमीन और 2 पे मिथाइल तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और उसके बाद ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होगा, इसका देखो तो 2 पे 2 मिथाइल है और 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो 2.2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखा जाएगा। थोड़ा स्पीडली बता दिए हैं, आप क्या करना वीडियो को दोबारे भी देख सकते हो, दोबारे देख के और इसको समझ लेना, ठीक है। बढ़ते हैं यहां से आगे, आज हमको पढ़ना है क्या, आज हमारे को पढ़ना है पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमर्स। तो चलो देखते हैं क्या होता है पोजीशन आइसोमर्स। तो आप अपना पोजीशन बना के बैठ जाओ और उसके बाद इधर ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने का मतलब भक्ति नहीं करने का, क्योंकि भक्त लोग तो अंधे होते हैं, हमको भक्त नहीं बनना है, अंधभक्त नहीं बनना है, एक समझदार नागरिक बनो। तो देखो इधर पोजीशन आइसोमर्स, द कंपाउंड्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप। देखो इसका मतलब समझो, वैसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अब आइसोमर्स का तो मतलब ही होता है समावयवी सम अवयवी, मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स तो सेम ही होंगे, बस स्ट्रक्चर में अंतर आएगा किसके वजह से। तो पहला हम लोग देखे थे चेन आइसोमर्स में
कार्बन के चेन में अंतर होने के कारण अंतर आ रहा था। और यहाँ पे जो सबस्टिचुएंट है, चूंकि हैलोजन के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो सबस्टिचुएंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा। अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे एल्कोहल पढ़ने लगे तो वहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड पढ़ने लगे तो CHO फंक्शनल ग्रुप होगा, एमीन पढ़ने लगे तो NH2 फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप के पोजिशन में भी चेंज आए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड के पोजिशन में भी चेंजिंग, तभी हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो यहां पे चूंकि हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, यहां पे सिर्फ हमारे पास सबस्टिट्यूएंट ही आएंगे जिन जो कि क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है। तो वैसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनका संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला में अंतर आता है, किसके कारण? ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापक के स्थान में या क्रियाशील समूह के स्थान में अंतर के कारण उनका पोजीशन में उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है, तब हम इसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो चलो तो देखो ये इसका हिंदी हुआ, वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन प्रतिस्थापक मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या क्रियाशील समूह के स्थान में अंतर के कारण उनका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे स्थान समावयवी, जो यौगिक हुए उनको एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स स्थान समावयवी कहेंगे, और दिस फिनोमिना जो घटना हुआ इसे हम बोलेंगे स्थान समावयवता। तो आप इसको लिख लो, फिर हम बताते हैं इसके बारे में कुछ और बातें और फिर करेंगे एग्जांपल। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में, पोजिशन आइसोमर्स के बारे में। सबसे पहला चीज कि पोजीशन आइसोमर्स किसी कंपाउंड का अगर हमें जांच करना होगा कि ये जो कंपाउंड है वो आपस में पोजीशन आइसोमर्स स्थान समावयवी है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जो दिमाग में रखना। सबसे पहला बात, बात नंबर एक, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, अणुसूत्र समान होना चाहिए, सबसे पहला बात। बात नंबर दो क्या सर, यहां भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम सबस्टिट्यूएंट, सेम सबस्टिट्यूएंट या फिर बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप, सेम सबस्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप, यानी जो प्रतिस्थापक हो या क्रियाशील समूह हो वो सभी कंपाउंड में क्या हो, सेम होना चाहिए, सेम सेम रूटवर्ड, सेम रूटवर्ड। सेम रूटवर्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो मेन चेन होना चाहिए वो सभी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रूटवर्ड सेम कब आएगा, जैसे एक में चार कार्बन है तो ब्यूट आया, तो दूसरा में अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा मेन चेन में तो वहां तो रूटवर्ड चेंज हो जाएगा, अगर तीन हो गया तो प्रोट हो गया, पांच हो जाएगा तो पेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि रूटवर्ड सेम रखना है तो नंबर ऑफ कार्बन भी मेन चेन में सेम होना चाहिए, यही इसका अर्थ है। और इतना चीज तो सेम होना चाहिए, डिफरेंस कहां पे आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह या प्रतिस्थापक के पोजीशन में स्थान में अंतर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि जो कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है वो एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर है। तो देखो लिख लेते हैं इसको, समान अणु चाहिए, इतना चीज होना चाहिए तब हम बोलेंगे कि कोई कंपाउंड जो है वो आपस में पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं है। आप इसको लिखो फिर हम लोग करते हैं इसका एग्जांपल। तो चलो बच्चों
अब देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है C3H7Br, और आपसे बोल रहा है कि इसके जितने भी पोजीशन आइसोमर्स आप बना सकते हो वो बनाओ, कितने बना सकते हो? तो चलो देखते हैं, आप ट्राई कर सकते हो, आप खुद से बना सकते हो, खुद से बना सकते हो तो प्रयास करो वीडियो को रोक कर। चलो तो हम बनाते हैं, देखो C3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन। देखो स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है ना अगर, कि कार्बन के साथ कहां पे 3 हाइड्रोजन कहां पे 2 हाइड्रोजन, तो नो माइंड, ये एकदम सिंपल सा फंडा है एकदम। पहले कार्बन बना लो, कितना कार्बन है 3, तो देखो 1 2 3। अच्छा उसके बाद क्या करना है कि Br है एक जगह, हमें ब्रोमीन जोड़ना है। चलो यहां पे जोड़ दिए ब्रोमीन, एक ब्रोमीन जोड़ दिए। अब देखो कार्बन कार्बन के तो बीच में बॉन्ड होगा ही, तो सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि हम हेलो एल्केन का बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन, एल्केन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो हम जानते हैं कि कार्बन टोटल बॉन्ड कितना बनाता है, 4, और 4 में से ये वाला जो कार्बन है वो एक बॉन्ड तो बना चुका है कार्बन के साथ, बाकी कितना बचा 3, तो आप यहां पे लिख दो 3 हाइड्रोजन। फिर यहां देखो इस कार्बन को 1 2 बॉन्ड बन चुका है, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए इसे, 2। उसके बाद यहां देखो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रोमीन से कंप्लीट है, तो अब कितना चाहिए, 2, क्योंकि एक इधर भी बना हुआ है। तो अब गिन लो 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, है ना, 7 हाइड्रोजन। तो किसी तरीका से करो वही आएगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर तो ए बन गया हमारा। दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसे बनेगा, हमें क्या करना है कि कार्बन के चेन में अंतर नहीं आने देना है, सिर्फ जो हैलोजन है इसका पोजीशन चेंज करना है। आप क्या कर सकते हो, एक बार ब्रोमीन को यहां ला सकते हो, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा CH3CHBrCH3, ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। तो एक बना और दो बना, और क्या बनेगा, और बनेगा एक बार ब्रोमीन को यहां से हटा के नहीं, ये तो यही वाला बन जाएगा ना, फिर ब्रोमीन को यहाँ ला दिए तो इस पर काउंटिंग यहाँ से होगा, तो 1 2 3 1 2 3 यही चीज तो बनेगा, तो सिर्फ 2 ही बनेगा। ओके अच्छा, इसका नाम लिखो तो 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपीन। अच्छा इसका नाम बताओ 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपीन। तो पहली बात, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है C4H9Cl, और इसके आप कितने पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो? तो देखो सबसे पहला हम लोग एक स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, CH3CH2CH2CH2Cl, एक कंपाउंड ए बनेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्लोरीन को यहां ला सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो CH3CH2CHCl और CH3, और कुछ बन सकता है बताओ, बन सकता है क्लोरीन को यहां ला दे तो फिर क्या बनेगा, क्लोरीन को यहां लाओगे तो यही वाला कंपाउंड बन जाएगा। अभी इधर से नजदीक पड़ रहा है तो काउंटिंग यहां से होगा, जब क्लोरीन को यहां ऐड करोगे तो काउंटिंग यहां से होगा, तो दोनों सेम ही कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब है कि इसका और कोई कंपाउंड, कोई आइसोमर नहीं बनेगा, पोजीशन आइसोमर बनाओगे तो नहीं बन पाएगा। तो चलो इसका नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 क्लोरो ब्यूटेन, और इसका 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन लिख लो। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एनसीईआरटी का है, और एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकता है, आप ध्यान से देखो इसको। तो एनसीईआरटी से आप इसका हिंदी लिख लेना, और हम यहाँ पे बता रहे हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। ये तो जाना पहचाना सा कंपाउंड है,
इसके बारे में तो हम लोग बनाए ही है कुछ, तो चेन आइसोमर तो इसका ड्रॉ कर लिए थे। अब हमें इसका बोल रहा है कि आठ वो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, आठ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका ड्रॉ होगा और टोटल को आपको बनाना है और उसके बाद सबका यूपीएससी नेम लिखना है और उसमें बताना है कि वो जो हेलाइट बना हूँ प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सियरी है, क्या है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले चेन बना लेते हैं, फिर पोजीशन बना लेते हैं और फिर कुछ ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जो चेन और पोजीशन दोनों में चेंजिंग आएगा। तो देखो लोग सॉल्यूशन करते हैं, C5H11Br, तो CH3 CH2 CH2 CH2, दो दो चार CH2Br पहला कंपाउंड, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। तो पहला कंपाउंड ये बनेगा। दूसरा क्या बना सकते हैं, CH3 को यहां ले जा सकते हैं। तो देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। अच्छा तीसरा क्या बनेगा बच्चों, इस CH3 को यहां हटा के ले आओ। तो देखो इधर ध्यान से, CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। और क्या कर सकते हैं, अभी CH3 को उठा के ऊपर पटक सकते हैं, तो CH3 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 CH2 Br। ये चार तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। इसमें सब में देख लो, ब्रोमीन पहला पोजीशन पे, ब्रोमीन पहला पोजीशन पे, इसमें ब्रोमीन पहला पोजीशन पे और इसमें भी ब्रोमीन पहला पोजीशन पे, तो ये सब हो गए चेन आइसोमर्स। तो इसका नाम चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5। अभी और बनेगा, अभी और इसको लिखने के बाद फिर आगे बनाएंगे। नाम क्या होगा बच्चों बताओ, 1 पे ब्रोमीन है तो क्या नाम होगा, 1 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा पेंट और सिंगल बोन के लिए एन, 1 ब्रोमो पेंटे, इसका नाम बताओ 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और चूंकि 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। अच्छा इसको देखो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो यहां भी क्या होगा ब्यूटेन। अच्छा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो 1 2 3, इसका भी नाम हम बताए हैं पहले, क्या नाम होगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 2.2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोपेन। ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी क्या है। तो आप देखो बच्चों, ये जो कार्बन है इसी से ना हेलोजन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो है 1 डिग्री है मतलब प्राइमरी है, तो ये हेलाइड कैसा होगा, यहां पे लिख दो प्राइमरी या 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हुआ। यहां पे देखो, यहां भी जो है ये कार्बन 1 डिग्री है और 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो ये भी आप 1 डिग्री या क्या लिख सकते हो प्राइमरी लिख सकते हो। इसके बाद देखो यहां पे ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो ये भी क्या लिख सकते हो आप 1 डिग्री या प्राइमरी लिख सकते हो। और यहां भी मतलब चेन वाले जितने भी होंगे सबके सब 1 डिग्री होंगे, तो यहां भी 1 डिग्री कार्बन है इसी से हेलोजन जुड़ा है, तो इससे भी आप लिख सकते हो 1 डिग्री या प्राइमरी। तो इतना कॉपी करो, कौन कौन बना, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं यहां से आगे कि और क्या बनाया जा सकता है। चलो कॉपी करो।
चलो अब देखते हैं यहाँ से आगे और क्या बनाया जा सकता है। हमारे पास कंपाउंड था C5H11Br। तो अब हम पोजीशन आइसोमर्स की अगर बात करें तो एक तो हम बना लिए थे 5 कार्बन का मेन चेन और किनारे पे क्या जोड़ दिए थे, ब्रोमीन। अब देखो क्या बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन हुआ CH2, और यहाँ पे देखो ब्रोमीन। ये वाला हम पहले वाला स्लाइड में बना चुके हैं, पहले अभी जो मिटा है उसमें ये वाला हम बना चुके हैं। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ CH3 करते हैं और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, ब्रोमीन। अभी पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 देखो तो 5 कार्बन का मेन चेन और पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी और चेंज कर सकते हैं, ब्रोमीन को यहां से हटा के 3 पे ला सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, CH3 CH2 CHBr CH2 CH3। देखो तो ये एक अलग कंपाउंड बन गया, यहाँ पे ब्रोमीन का पोजीशन 2 है और यहाँ पे ब्रोमीन का पोजीशन 3 है। और क्या बना सकते हैं बच्चों, देखो इधर ध्यान से, CH3 CH CH3 CH CH3 और Br। देखो तो यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे बना दो, Br। देखो तो यहाँ पे काउंटिंग तो यहीं से होगा, तो 1 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है और 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। और क्या बना सकते हो, CH3 CCH3 Br CH2 1 2 3 4 CH3। और कुछ बना सकते हो, अब कुछ नहीं बना सकते हो, बस इतना ही कंपाउंड इससे बनाया जा सकता है। तो 4 तो चेन और आइसोमर्स बने, उसके बाद 2 यहाँ पे देख लो पोजीशन चेंज किए, यहाँ पे चेन पोजीशन दोनों चेंज किए हैं, यहाँ भी चेन पोजीशन दोनों चेंज किए हैं। तो इस तरह से टोटल 8 स्ट्रक्चर बनेंगे C5H11Br का। तो यहाँ पे आप नाम बताओ, 2 ब्रोमो, उसके बाद पेंटेन। बताओ तो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, इधर से भी कार्बन है इधर से भी है, 2 से मतलब नहीं है, इस कार्बन को देखो कितना कार्बन से जुड़ा है, तो इधर से कार्बन और इधर से भी कार्बन, दोनों तरफ से कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हुआ। 2 डिग्री तो हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री, या इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, आप इधर से काउंटिंग करोगे तो भी यही आएगा, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो पेंटेन। अब ये भी क्या है, ये भी 3 डिग्री ही कार्बन, सॉरी 2 डिग्री ही कार्बन है, इधर कार्बन और इधर कार्बन, दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, 2 डिग्री या सेकेंडरी ही हुआ। उसके बाद यहां देखो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन तो ब्यूटेन। अब बताओ यहां पे जो है, ये 2 डिग्री है, इधर से एक कार्बन है, इधर से एक कार्बन है, तो ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी हो गया 2 डिग्री या सेकेंडरी। अब यहां पे देख लो, इधर से काउंटिंग होगा क्योंकि साइड चेन इधर से इमेज दिख है, 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या होगा बच्चों, ब्यूटीन। अच्छा अब यहां पे देखो तो इस कार्बन को, इधर से एक कार्बन है, इधर से एक कार्बन है और ऊपर एक कार्बन है, मतलब 3 कार्बन है, तो ये हो गया 3 डिग्री या टर्शियरी। तो इतना काम हमें करना था, ये हो गया 5वां 6वां 7वां और 8वां, इतने तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर C5H11Br का बनेंगे। तो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बोर्ड के लिए VVI है, बोर्ड के एग्जाम में आपको ये बोल सकता है डायरेक्टली कि C5H11Br के जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है सब आप ड्रॉ करो, तो बस इतना बना देना है। फिर अब यहां से बढ़ते हैं आगे, एक चीज और पढ़ते हैं,
और उसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन देंगे एनसीईआरटी का बनाने के लिए। तो अभी एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। CX बंधन की प्रकृति मतलब ये हुआ, X इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखो, तो X इक्वल टू आपको बताया था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। ये कार्बन है और ये हेलोजन है, कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड का प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है, वो पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, तो चलो हम देखते हैं ध्यान से। ध्यान से देखना आप इधर सी और X, ठीक है। X क्या है, X सामने देख रहे हो हैलोजन है, X जो है वो हैलोजन से ग्रुप 17 के, ग्रुप 17 के, और A देखो A जो होती हैं हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, बहुत उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक, बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, और ए जो होती हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो कम होता है और हैलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत अधिक होता है। बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको हम पढ़ाए हैं 11th में कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड में किसी एटम के द्वारा शेयर्ड पेयर किसी एटम सॉरी किसी कोवेलेंट बॉन्ड में साझे के एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो साझे के इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लिया है, क्योंकि दो एटम होंगे और दो एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग होगा उनके बीच, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा चूंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो उस एटम पे भी पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन खींच गया उस वाले एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान से देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत अधिक है, तो ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में डाला गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींचेगा, और इसके वजह से क्या होगा कि इस पे हल्का निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव। अब डेल्टा निगेटिव क्यों, देखो जब ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता, तो ब्रेक हो जाता तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन X के पास चले जाते, तो X टोटली निगेटिव होके बाहर निकल जाता, और कार्बन का चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता। लेकिन इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ शिफ्ट हो रहा है उधर, और बॉन्ड टूट नहीं रहा है, बॉन्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है हैलोजन की तरफ, अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, तो इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब देखो ई यहां पे देखो तो पोल यहां बन गया पॉजिटिव पोल और यहां बन गया निगेटिव पोल, दो पोल बन गया कि नहीं बन गया, मतलब एक डाइपोल का निर्माण हो गया। तो इस तरह का जो बॉन्ड आता है जिसमें एक एटम पे पॉजिटिव और एक एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, इसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं कि बॉन्ड जो हो गया पोलर बॉन्ड हो गया, ध्रुवीय हो गया, ध्रुवीय कैसा प्रकृति हो गया इसका, ध्रुवीय प्रकृति हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है यानी हेलो एल्केन में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। अगर हम हेलोजनों में देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है बच्चों? फ्लोरीन, जानते हैं हम लोग, 4 होता है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन, 3.5 होता है। और उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन के बाद फिर हो गया ब्रोमीन, नाइट्रोजन, तो ब्रोमीन है यहाँ पे ब्रोमीन, उसके बाद हो गया आयोडीन। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। अब हम ये क्यों बताएं, ध्यान से यहां देखना, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत अधिक होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अधिक खींचेगा तो यहाँ पे निगेटिव ज्यादा जनरेट होगा और पॉजिटिव ज्यादा जनरेट होगा, तो इस तरह से पोलेरिटी भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और मान लो यहाँ पे आयोडीन लगा देते हो, तो आयोडीन तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता नहीं है, तो निगेटिव भी कम जनरेट होगा और पॉजिटिव भी कम जनरेट होगा, चार्ज कम उत्पन्न होगा, तो पोलेरिटी भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ पोलेरिटी अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ पोलेरिटी ध्रुवीयता का क्रम, तो हम पाएंगे कि अगर CF ले लेते हैं, कार्बन और फ्लोरीन के बीच, इसका पोलेरिटी जो होगा इससे अधिक होगा। और सबसे कम पोलर कौन होगा बच्चों? हो जाएगा आयोडीन। तो ये हो गया पोलेरिटी का ऑर्डर हेलो एल्केन का, मतलब फ्लोराइड जो होगा सबसे अधिक पोलर होगा और आयोडाइड जो होगा वो सबसे कम पोलर होगा। तो ये यहां से ये VVI है आपके लिए ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बन सकता है कि हेलो एल्केन के पोलेरिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो हेलो एल्केन के चूंकि कार्बन तो सब में सेम है, एल्केन तो सेम है, तो जो पोलेरिटी है वो डिपेंड करेगा हेलोजन पे कि हम कौन सा हेलोजन का यूज कर रहे हैं। अगर फ्लोरीन का यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने की वजह से पोलेरिटी अधिक होगा, और आयोडीन का यूज कर रहे हैं तो पोलेरिटी कम होगा। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, RF सबसे ज्यादा पोलर होगा, RF, उसके बाद RCl, उसके बाद RBr, और सबसे कम होगा RI। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसको कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि NCERT का इंडेक्स का है, जो पाठ्यनिहित प्रश्न होता है वो है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित यौगिक की संरचना लिखें, संरचना बनाना है। तो देखो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिसका यूज करके आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि 2 पे क्लोरो लगाएं, 3 पे मिथाइल लगाएं, या फिर 1 क्लोरो 4 इथाइल, ये सब लिखा रहता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिसका यूज करके आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर एकदम आसानी से ड्रॉ कर लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ट्रिक का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पकड़ लेना है, इसका रूट वर्ड पहले सबसे पहले आपको ज्ञात कर लेना है कि जो कंपाउंड हमें दिया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है। तो बच्चों चूंकि यहाँ पे पेंट लिखा हुआ है तो पेंट लिखने का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 कार्बन। और यहाँ पे फिर आगे बढ़ो, इन लिखा हुआ है मतलब कि बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अब इतना करने के बाद हमें इन सबको जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है भूल जाओ अभी, अभी सिर्फ हमें क्या करना है, 5 कार्बन है तो आप ऐसे करो, 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा, उसके बाद देखो तो इन है, इसका मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा, तो आप सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो, लगा दिए। अच्छा, अब कहीं एक तरफ से चलो, 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल, ओके। तो चलो 2 पे क्लोरो कह रहा है, तो मान लो इधर से चलते हैं तो 1 2
टू पे क्लोरो हो गया, और अगर एक बार इधर से चले हो तो दूसरा को भी इधर से चलते हुए लिखना है, 1 2 3 4 5 चल दिए तो 2 पे क्लोरीन और 3 पे मिथाइल हो गया। कोई डाउट? 2 पे क्लोरीन और 3 पे मिथाइल, अब काम हो गया, सारा काम हो गया हमारा। पेंट 5 कार्बन हो गया, एन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 पे क्लोरीन था तो देखो 2 पे क्लोरीन हो गया, 3 पे मिथाइल था तो 3 पे मिथाइल भी हो गया। अब क्या करना है, अब हमें बॉन्ड को कंप्लीट कर देना है, सारे कार्बन का चार चार बॉन्ड, तो जितना घट रहा हाइड्रोजन लगा दो, इसका एक बॉन्ड कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, इसका 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, इसका 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, और इस पे 3 हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर। अब यहां पे क्या पकड़ना है, देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, हेक्सेन को जब साइक्लिक फॉर्म में बना देते हैं ऐसे, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, देखो तो ये सब तो जान ही रहे हो, पढ़े हैं हम लोग, 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन और साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूटेन और साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है 1 2 3 4 मंदिर जैसा लग रहा है तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्सेन, अच्छा साइक्लोहेक्सेन तो बन गया हमारा। अब 1 पे क्लोरीन और 4 पे इथाइल, तो चलो कहीं से कहीं भी एक को 1 मान लो, तो इसको मान लेते हैं हम 1, तो अब 1 इसको मान लिए तो 2 3 4 5 6 हो गया, और क्या कह रहा है 4 पे इथाइल, तो इथाइल किसे कहते हैं बच्चों, C2H5 को इथाइल कहते हैं, CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल, तो देखो 1 क्लोरो 4 इथाइल क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। बताओ तो अब ये वाला बना लोगे खुद से, चलो इतना कॉपी करो फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद हम बनाते हैं थर्ड, चलो थर्ड अभी बना देते हैं। देखो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सब अभी भूल जाओ, हमें सिर्फ अभी क्या करना है, हेप्ट मतलब 6 कार्बन कि 7 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, तो 7 कार्बन और एन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद एन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो सब जगह, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब देखो 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 पे तो कहीं एक तरफ से चलो 1 2 3 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बताओ तो यही होगा ना, 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता, हाइड्रोजन गायब हो गया तो ब्यूटाइल हो गया, और ये कार्बन देख लो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, तो यहाँ पे कहाँ पे 4 पे, 4 पे लगा देते हैं हम टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हो गया कंपाउंड टर्शियरी ब्यूटाइल, तो 4 पे लग गया। फिर बोल रहा है 3 पे आयोडो, तो देखो ये 3 है ना, ऊपर लगा देते हैं इसका आयोडो, 3 आयोडो, 3 पे आयोडो 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, बस हो गया खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 1 यहां पे, 2 यहां पे, 2 और यहां पे 3, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आयोडो और उसके बाद हेप्टेन, ठीक है। अब ये दोनों जो कंपाउंड है वो आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप खुद से बनाना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डील करेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।